ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਖਿਓੜਾ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਮਕ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ 326 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 17 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਟੈਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਮਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20% ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਜ ਹਰਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ 46 ਦਰਜ ਹਰਾਰਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। सॉल्ट की जो दरियाफ्त है वो 326 BC से 326 कबल मसीह से। इस माइंस के 17 लेवल्स हैं, 5 इसके ऊपर हैं, छठा ये ग्राउंड फ्लोर है और 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। टोटल 17 स्टोरीज, 17 मंजिले है ये। तो यहाँ से जो सॉल्ट का सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। ये जो सॉल्ट रेंज है 300 किलोमीटर की है। ये सिलसिला दरियाई झेलम से शुरू होता है और डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली कालाबाग में जाकर ख़त्म होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर माइनिंग हो रही है, जिसके अंदर सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो खेवड़ा माइन का। और एक सर्वे के मुताबिक अभी तक इन पहाड़ों में से 20% भी सॉल्ट नहीं निकला। रकबे और एरिया के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर ये माइन्स हैं। जो पहले नंबर पर है वो पोलैंड के अंदर क्राको साल्ट माइन, एशिया की सबसे बड़ी और वो दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बेस्ट। तो इसके अंदर से 50% सॉल्ट निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ से निकाल लिया गया, और 50% बतौर सपोर्ट सतून पहाड़ की मजबूती के लिए छोड़ देते हैं। इसका जो माइन मेथड है उसको कहते हैं रूम एंड पिलर। ये रूम के ऊपर रूम और ये पिलर्स के ऊपर पिलर, 17 लेवल्स के। इस सॉल्ट के अंदर मेजर 3 कलर्स होते हैं, वाइट, पिंक, रेड, सफेद, गुलाबी और लाल, जो कि आपको इसके अंदर ये नुमाएँ नज़र आ रही हैं।
इसके अंदर व्हाइट कलर है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, जो इसके अंदर पिंक है उसके अंदर मैग्नीशियम, जो इसके अंदर रेड है उसके अंदर आयरन शामिल है। अगर इन कलर्स को ग्राइंड किया जाए कलर एक ही बनेगा व्हाइट, 1% आयरन या मैग्नीशियम, 99% सोडियम क्लोराइड, 8 टेबल सॉल्ट। तो जिस स्टेशन के ऊपर आप लोग उतरे हैं विजिटरों की दिलचस्पी के लिए, नाम दे रखा है चांदनी चौक। होती है जी। तो इसमें ये पानी सीपी जोकर आता है, जब ये ओवरफ्लो होने लगता है तो साथ इसके मोटर पंप लगाकर इसे पंप आउट कर रहे हैं सोडा ऐश के लिए। यहाँ पर एक करीबी आईसीआई फैक्ट्री है, वो इस पानी से सोडा ऐश बना रही है, वाशिंग पाउडर जिसको धोबी सोडा कहते हैं। अच्छा। तो इस कान के अंदर जो इन तालाबों की तादाद है, जो छोटे बड़े तालाब है, वो 100 के करीब है, जिनकी गहराई 20 फीट से लेकर 100 फीट तक की है। ये जो आपके सामने पानी का तालाब है, इसकी जो नीचे गहराई है वो 40 फीट 40 फीट डीप। जो चीज आपको पानी के अंदर नजर आ रही है बेसनी ऊपर वाले छत का रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये इसी वजह से हो रहा है? जी मैम, जो चीज आपको पानी के अंदर नजर आ रही है बेस नहीं है, ऊपर वाले छत। काम किया गया टोटल काम है मुगल पीरियड का, उस दौर का ये चिजलिंग वर्क, छेनिया थोड़ों का काम जो आपको दीवारों के ऊपर नजर आ रहा है। सॉल्ट की जो दरियाफ्त है वो अलेक्जेंडर, सॉल्ट की जो दरियाफ्त है वो अलेक्जेंडर, लेकिन जो इसके अंदर सुरंगों का सिलसिला है वो किंग अकबर 1500।